हेलो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करने वाले एक शेयर से रिलेटेड, जिसका नाम है डी डे प्लास्टिक इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए, इस शेयर ने 9 महीने में 230% के रिटर्न यहाँ पर दिए हैं, अकॉर्डिंग टू मी, जब से मैंने आपको ये शेयर दिया है। ये शेयर मैंने आपको 44 रुपीज पे यहाँ पर दिलाया था, आपको बताया था 9 मंथ्स बैक। 44 रुपीज का स्टॉक फ्यूचर मल्टीबैगर डीडे प्लास्टिक लिमिटेड स्टॉक्स न्यूज यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर केबल के जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं बड़े बड़े। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एक ही बार वीडियो बनाया छोड़ दिया, दोबारा वीडियो बनाया, ठीक है। 6 महीने पहले आपको बताया, 8 महीने पहले फिर जब ये 44 से 50 रुपीज के आसपास पहुंच गया था, फिर दोबारा वीडियो बनाया, फिर आपको बताया। इसके अलावा 3 महीने पहले वीडियो बनाया तो और आपको बताया, उस टाइम 96 रुपीज का शेयर था। तो आप यहाँ पर समझ रहे हो कि बार बार आपको वीडियोस बना के मैंने यहाँ पर बताया है कि ये शेयर मल्टीबैगर होगा, ये शेयर आपको पैसा बना के देगा। और ऐसे पता नहीं कितने स्टॉक्स मैंने यहाँ पर, आप मेरी वीडियोस पर जाइएगा, एक एक करके देखिएगा, तो आपको पता चलेगी कि पता ही नहीं कितने स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं जो कि मल्टी बैगर बन के निकले हैं। तो आपने कभी सोचा है कि मैं ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढता कहाँ से हूँ, ठीक है। दिस इज द, ये तो केवल एक ही स्टॉक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट ऐसे कितने मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढे हैं और आपको बताए हैं, ओके, अपने क्लाइंट्स को बताया है इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करें, सबसे इम्पोर्टेंट काम। दूसरा, कोर्स करिए, सीखिए, मुझसे यहाँ पर सीखिए। एक होता है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल सीखना, ठीक है, देख देख के सीखना, वो आप यहाँ पर देख के सीख सकते हैं, बट उतना बेहतरीन नॉलेज नहीं मिल पाएगी। बट अगर आप 8860540501 8169261037 नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे और बेसिक्स टू एडवांस आप मेरे से सीखेंगे, ठीक है, 15 से 20 दिन 25 दिन आपके लगेंगे, ओके, इतने घंटे लगेंगे। और यहाँ पर आप जब मेरे से काम सीखेंगे तो यहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस, टेक्निकल, रिसर्च, फंडामेंटल, इन सब के बेसिस पे हम काम करेंगे और यहाँ पर पैसा बनेगा। 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग, स्ट्रैटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स सब दिए जाएंगे। 17,500 में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। और इसके अलावा केवल यही नहीं है, ओके, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके, जहाँ पर आप 1200 रुपए दे के आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर बेहतरीन स्टॉक्स दिए जाते हैं, 16% का, 20% का अपर सेल, 5%, 8%, 5%, ओके, यस्टरडे 5%, यस्टरडे 18%, 5%, 25% इन 2 डेज, ओके, यहाँ पर देखिए बैक टू बैक 8%, 5%, 20%, ये शेयर दिए जाते हैं, ओके, आपको या तो मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं या फिर नाइट में, यहाँ पर मैं दे के सोता हूँ। यहाँ पर हम बात करें, इसके अलावा किसी का पोर्टफोलियो बड़ा है और वो सच में बड़े पैसे कमाना चाहता है, ओके, एनुअली बेसिस पे अच्छे खासे रिटर्न कमाना चाहता है, मार्केट को बीट करके, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर्स को बीट करके पैसा कमाना चाहता है, तो इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट करें, ओके, मेरे साथ मिलके काम करें, आपको यहाँ पर रिजल्ट पता चल जाएगी कि यहाँ पर किस तरीके का रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं मैं दे नहीं रहा हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना हर एक चीज में, बट यहाँ पर आपको रिजल्ट में आप बार बार आके शो करता रहूंगा कि किस तरीके से वीडियोज बनाए, किस तरीके से पैसे बने, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। डीडे प्लास्टिक इंडस्ट्री लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, 1362 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 13 का पीई है, इंडस्ट्री का पीई 28 का है, तो कहीं ना कहीं अभी भी सस्ता नजर आता है, बट पीई के बेस पे कभी काम नहीं करते, इस चीज को याद रखिएगा। पीई जस्ट एक मोह माया है स्टॉक मार्केट की, ओके, जो इसे देख के काम करता है वो कभी भी पैसा नहीं बना सकता। आप कम पीई पे आपको दिखाई देगा कि शेयर बढ़ नहीं रहा, बड़े पीई पे आप दिखाई देगा कि शेयर भाग ही रहे, तो महंगा सस्ता इससे कभी नहीं पता चलती। आरओसी आरओई काफी बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म का विजन के हिसाब से आप सोच रहे होंगे तो, बट लॉन्ग टर्म का हमारा कोई विजन नहीं रहता, ये चीजें चेंज होती रहती है, स्टॉक भाग रहा है तो आरओई आरओसी भाग गया, स्टॉक्स गिर रहा है तो ये कम हो गया, तो इस तरीके से चलता है, तो इसे यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दे हम। डेट की बात करें, 11% का शेयर में यहाँ पर डेट भी है, 148 का आज ही 52 वीक हाई लगाया है इस पर्टिकुलर शेयर ने। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, बेहतरीन चार्ट पैटर्न जब से आपको बताया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न आपके बनते हुए नजर आए हैं। कंपनी करती क्या है, एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए तो आप यहाँ पर इनके
प्रोडक्ट्स पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो केबल से रिलेटेड जो कंपाउंड होते हैं, पीवीसी, लो वोल्टेज, सिपोलस, ये अलग अलग ये प्रोडक्ट्स होते हैं, एंटी फैब, ये इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड ऑटोमोबाइल्स, फुटवेयर कंपाउंड, तो अलग अलग कंपनीज के लिए कंपनी यहाँ पर प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हुई दिखाई देती है, जो कि यहाँ पर पैन इंडिया प्रेजेंस भी रखती है और अच्छा खासा यूज भी होती हुई नजर आती है। यहाँ देखिए कंपनी की नेट सेल्स बढ़ी है 2022 में 249 करोड़ रुपीस की सेल्स है, 373 इनके एम्प्लॉयज भी है, 5 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स भी है, 7 ऑफिसेस भी है, एज वेल एज ये देखिए ये प्रोडक्ट्स बनते हुए नजर आते हैं ना, इन्हीं के प्रोडक्ट्स यहाँ पर इनकी ही प्रोडक्ट बन के फिर यूज होते हुए नजर आते हैं, तो अच्छा खासा कंपनी का काम है यहाँ पर। और जानना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। कंपनी के यहाँ पर नंबर आए ओके परसों के दिन, सॉरी कल के दिन, और यहाँ पर आप देखिए कल भी भागा आज भी भागा, यहाँ पर कल आप देखोगे तो कल लगभग 13-14% भागा, आज भी यहाँ पर 12-13% भागता हुआ नजर आया है। 667 करोड़ रुपीज का हाईएस्ट एवर कंपनी की सेल्स ओके, 67 करोड़ रुपीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर ओके, नेट प्रॉफिट 48 करोड़ रुपीज का हाईएस्ट एवर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हो 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि ईयरली बेसिस पे पूरा डबल होता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टरली बेसिस, जब इस तरीके के बेहतरीन कंपनी यहाँ पर प्रेजेंट करती है अपने आप को बेहतरीन वे से, तो शेयर को भागना ऑब्वियसली बात है होता ही है, बट किसी भी आलतू फालतू लेवल पे कभी भी शेयर को नहीं खरीदना चाहिए, इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर देखे तो कंपनी की सेल्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगभग डबल होता हुआ नजर आ रहा है, दीज आर द पॉजिटिव चेंजेस इन द कंपनी। एज वेल एज रिजर्व्स की बात करें 485 करोड़ रुपीज के रिजर्व्स है, बोरिंग कंपनी की यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, वर्किंग प्रोग्रेस में 1 करोड़ रुपए ही लगा रखे है, ज्यादा यहाँ पर है नहीं। कैश की बात करें कंपनी के 7 करोड़ रुपए का कैश भी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 75% के शेयर प्रमोटर्स ने अपने आप पर रख रखे है, एज वेल एज 25% के पब्लिक दिखा रहा है, बट पब्लिक में भी आप देखेंगे तो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड ने यहाँ पर दिसंबर में बाइंग करी है, एज वेल एज कुछ लैब यहाँ पर देखेंगे लाइबल टेक्सटाइल्स 4.53, एलमंड पॉली ट्रेड्स यहाँ पर देखिए 8.25%, लगभग लगभग ये प्रमोटर्स की ही कंपनी है इस तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग है पब्लिक के पास, थोड़े बहुत ही 10-12% के शेयर यहाँ पर नजर आते हैं, एज वेल एज कुछ और न्यूज भी है। क्या न्यूज है कि यहाँ पर कंपनी यहाँ पर अपने आप को क्या देती हुई नजर आ रही है, आपको डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है ओके, पहले भी डिविडेंड दिया था दोबारा, और यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर हम देखें तो बोनस भी इशू किया है, 1:10 में यहाँ पर बोनस इशू किया, और आपको पता है जब भी बोनस आता है तो शेयर में एक अच्छी खासी मूवमेंट रहती है, प्लस में रिजल्ट यहाँ पर आ गया तो बहुत सारी डिविडेंड दे दिया, तो ये 3-4 चीजें न्यूज बन के ओके इस पर्टिकुलर कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पर परिवर्तन करती हुई नजर आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चार्ट से रिलेटेड बातें करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इस पूरे चीज का, तो हम बात करेंगे, और उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, इन नंबरों को नोट करके हमारे साथ जुड़े, टेक्निकल सीखे, फंडामेंटल सीखे, किस तरीके से दोनों को यूज किया जा सकता है, स्टेजेस सीखे, ये क्या है ये स्टेजेस है ओके, ये स्टेजेस कैसे सीखनी है वो हम यहाँ पर बताएंगे, एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, और किसी का पोर्टफोलियो बड़ा है तो कांटेक्ट करें, पैसे डेफिनेटली बनते हुए नजर आएंगे ओके। यहाँ पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 44 पे बताया था 230% के रिटर्न यहाँ पर आपके लगभग बनते हुए नजर आ रहे हैं ओके, अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे हैं, कुछ और चीज है बट मैं उससे रिलेटेड बातें नहीं कर सकता ओके, बट यहाँ पर हम बात करें चार्ट से रिलेटेड बातें करते हैं। सबसे पहले ये जो चार्ट है ओके, ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, और ये एक असेंडिंग ओके, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक तरीके से ये राइजिंग वेज है ओके, जब भी इस तरीके का यहाँ पर पैटर्न होता है चीजें जरूर भागती हुई नजर आती है, बट यहाँ पर देखिए ये लाइंस के नीचे जिस दिन भी शेयर आएगा, मुझे नहीं पता कब आएगा, अभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, और 10 दिन बाद आएगा या 10 महीने बाद आएगा, कभी नहीं पता, बट यहाँ पर जिस दिन भी इस लाइन को यहाँ पर इससे यहाँ पर तोड़ा तो याद रखिएगा शेयर में एक बड़ी गिरावट होती हुई नजर आएगी, बट वो गिरावट अभी नहीं होने वाली ये भी श्योर है ठीक है। तो अब क्या देखिए इसने एक ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसका एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। सबसे पहले आप जब भी यहाँ पर ट्रेड करें तो एक स्टॉप लॉस लगाइए, क्या स्टॉप लॉस रहेगा ये जो लाइन है, इस लाइन के जैसे ही नीचे आएगा तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें शेयर थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ सकता है, अभी जा कितना गिर सकता है, अभी मुझे यहाँ पर ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती, प्लस में एक ये कैंडल है ओके, ये कैंडल भी काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है, आप सब चीज में टेक्निकल इसी वीडियो में नहीं बता सकता, आप सीख सकने के लिए आ सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो दो स्टॉप लॉस मैं आपको सजाऊंगा। सबसे पहले तो इसके नीचे आए
पहला स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस की बात करूं तो 135 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और शेयर जैसे ही 148 का लेवल जाए दोबारा निकालेगा तो इसमें एक तेजी होगी। और मैं यहां पर एक और टारगेट बता देता हूं, ये शेयर शायद 190 तक, ओके, यहां पर बोनस आने वाला है, या तो बोनस से पहले या बोनस इशू होने के बाद ये शेयर एक रेंज में भागता हुआ नजर आएगा। और वो रेंज क्या रहेगी वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर एक तेजी होती हुई नजर आती हुई दिखाई देगी जो इसे अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये लगभग उसी रेजिस्टेंस के आसपास नजर आ रहा है, वो ये पहला ये टारगेट था जो अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे टारगेट की बात करें, जैसे 150 का लेवल निकालेगा दूसरा टारगेट है 190 के आसपास, 190 to 200, तो ये लेवल तक यहाँ पर जाने की पूरी संभावना है। ज्यादा यहाँ पर तेजी यहाँ पर आता है तो याद रखिएगा रिस्क साथ साथ बढ़ेगा, तो स्टॉप लॉस को भी यहाँ पर ट्रेल करना है। और इस तरीके से आप यहाँ पर काम करेंगे तो आपका पैसा भी बनता रहेगा, एज वेल एज कभी कुछ गलत होता है तो यहाँ पर आप सही टाइम पे निकल भी सकते हो। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, सीखना है जितना हो सके, ओके। और यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर दी नहीं जा रही है। इन नंबरों पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हमसे सीख सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, हमारी सर्विस का फायदा उठा सकते हो और साथ में मिलकर काम कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।